लेकिन एक बात आपने सोची ये नेटफ्लिक्स की सीरीज है हीरो तभी कुछ करना चाहता है तभी बड़ा बनना चाहता है जब उसे प्यार हो जाता है राम राम सा आप सभी को बहुत बहुत खम्मा गणी मैं राजस्थान से एक बार फिर से निखिल अभी जादूगर का ट्रेलर रिलीज हुआ है शायद एक घंटे पहले और नेटफ्लिक्स के लिए ये क्या साबित होगा ये मेरा ट्रेलर देख के मुझे समझ में आ गया तो चलिए ट्रेलर पे डिस्कशन करते हैं टाइटल रोल निभा रहे हैं जितेंद्र कुमार जो कि टीवीएफ से हैं मैजिक मीनू एक जादूगर बनना चाहते हैं उनकी कॉलोनी में एक फुटबॉल की टीम है जो हमेशा हारती रहती है लगभग छठे नंबर पर आती है लेकिन जितेंद्र को हो जाता है एक लड़की से प्यार अब देखिए लव स्टोरी के बिना इंडिया में कुछ नहीं चलता इंडिया में उतने लव मैरिजेस नहीं होती जितनी फिल्मों में लव स्टोरी होती है और एक वो कहावत तो है ही कि इंडिया में आप सड़क पर हाथ पकड़ के नहीं चल सकते लेकिन हाथ में पकड़ के आप लघु शंका जरूर कर सकते हैं खैर इंडिया की पिचिंग हम बाद में कर लेंगे पहले नेटफ्लिक्स की बारी है एक्टिंग वाइज अगर बात करें तो जावेद जाफरी इज गुड वेरी गुड जितेंद्र में मुझे थोड़ा सा शाहरुख खान दिखता है आई मीन मतलब वॉशिंग पाउडर में धोया हुआ शाहरुख खान जैसे ये सीन आप ले लीजिए तुम लोगों को रोज पानी पिलाता हूं तौलिया से तुम्हारे पसीने पोसता हूं क्यों क्योंकि आई लव यू ऑल ऑल ऑफ यू इसमें आपको पूरी-पूरी डायलॉग -पूरी की झलक और सम टाइम्स एक्सप्रेशन आपको शाहरुख खान वाले दिखेंगे जब शाहरुख खान जवान हुआ करते थे और 90s में फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जितेंद्र वाली जो जनरेशन है और समाह हमीरी वाली जो जनरेशन है वो जब बड़ी हो रही थी तो शाहरुख खान ही मेन लीड में बॉलीवुड में हुआ करते थे उन्हीं की फिल्में देखकर हम बड़े हुए हैं तभी तो कहते हैं कि आपके आदर्श और आप किसको देख रहे हो वो सही चुनाव बहुत जरूरी है वैसे एक्टिंग में कोई बुराई नहीं है लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक्टर की अपनी पहचान होनी चाहिए न कि वो किसी की नकल करे न तो चलने में न बोलने में न एक्सप्रेशन में तभी आपकी यूनिक आइडेंटिटी बनेगी म्यूजिक की बात करते हैं म्यूजिक ने बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किया ऐसा कोई गाना नहीं है जो बार बार सुनने का मन करे हो सकता है ट्रेलर में बहुत ज्यादा झलक ना हो ये फिल्म आपको देख के लगेगा इसका ट्रेलर कि आपके आसपास की कोई फिल्म है हो सकता है पीछे वाले मोहल्ले में ये कहानी हो, हो सकता है इधर वाले मोहल्ले में आपकी कोई कहानी ऐसी चल रही हो जितेंद्र को जावेद जाफरी को उसमें जो और भी एक्टर्स तो हैं, इसका क्या है तो जादूगर वाले सब्जेक्ट पर या फिर किसी और भी अतरंगी सब्जेक्ट पर पहले भी दो चार फिल्में बन चुकी हैं लेकिन इंडियन ऑडियंस उसे ऐसे रिजेक्ट कर देती है जैसे लड़की का बाप पहली मुलाकात में लड़के को रिजेक्ट कर देता है मत पूछिए हिंदुस्तान के फिल्मों में हीरो तभी कुछ करना चाहता है तभी बड़ा बनना चाहता है जब उसे प्यार हो जाता है का चक्कर बाबू भैया लेकिन एक बात आपने सोची ये नेटफ्लिक्स की सीरीज है और इसमें कुछ भी इंडिया के अगेंस्ट हिंदुज के अगेंस्ट नहीं है हो सकता है ट्रेलर में न डाला हो ऐसा इसीलिए क्योंकि इसके डायरेक्टर हैं ये समीर सक्सेना और इसके राइटर हैं बिस्वापति सरकार बेसिकली ये टीवीएफ की फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है और टीवीएफ जाना जाता है साफ सुथरी कॉमेडी और अच्छी कहानी के लिए टीवीएफ अब घर घर में पहुंच चुका है हर आम आदमी की जबान पर है अगर नेटफ्लिक्स की बात करें तो अभी उसे जीने के लिए इंडिया में ऑक्सीजन की जरूरत है और टीवीएफ नेटफ्लिक्स के लिए वो सिलेंडर बन सकता है मुझे ट्रेलर देख के अच्छा लगा फील गुड हुआ आपको क्या लगा मुझे बताइएगा ऐसे ही और रिव्यू और ट्रेलर रिएक्शन के लिए टीजर रिएक्शन के लिए जुड़े रहिए राजस्थानी रिएक्शन पर आपको बाबू भली करे खूब खूब आपको आभार आता रिजो प्यार देते रिजो लाड यू ही चाहिए मैंने और घनी खम्मा